इस बीच कांग्रेस ने भी नगर निगम चुनाव के लिए अपना प्रचार तेज कर दिया है। लगातार आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि इस पार्टी के नेताओं की आपसी खींचतान के कारण शिमला शहर का विकास प्रभावित हुआ है। राजधानी के विभिन्न वार्डों में नुक्कड़ सभाओं के दौरान प्रतिभा सिंह ने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर भी कांग्रेस वार्डों के साथ भेदभाव किया गया। प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस इस तरह के भेदभाव को दूर कर सभी वार्डों में जन समस्याओं का समाधान करेगी। दूसरी ओर मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा के मैनिफेस्टो पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा के दृष्टिपत्र में कुछ नया नहीं है। नरेश चौहान ने बताया कि पहले भी 24 घंटे पानी देने का वायदा, पार्किंग व अन्य मूलभूत सुविधाओं को देने की बात कही गई थी, लेकिन भाजपा उन्हें पूरा करने में असफल रही है। पिछले 5 साल 2017 से जो चुनाव हुआ उसमें भाजपा की नगर निगम पहली बार शिमला में बने। जब से नगर निगम बना है तब से वो पहली बार शिमला की जनता ने उनको मौका दिया था, और उसका कारण था कि बहुत बड़ी बड़ी बातें और बड़े सपने जो है शिमला की जनता को दिखाए भाजपा के लोगों ने। उस पे हमारा सवाल ये था कि 5 साल का समय आपको जो है शिमला की जनता ने दिया, और आपने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें और बड़े सपने दिखाए, जिसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी कि आपको वो 5 साल में पूरी करनी थी। लेकिन अगर आज इस पे मोटे तौर पे हम आज भी थोड़ी नज़र डालें इनके दृष्टिपत्र में, तो वो सारी चीज़ें जो पहले 2017 में बात कही गई आज वैसे की वैसी इतनी सारी लंबी लिस्ट है। तो आज ये लिस्ट क्यों? साफ तौर पे है कि उन 5 सालों में आपने कुछ नहीं किया। इधर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और आम आदमी पार्टी भी अपने समर्थकों के साथ नगर निगम चुनाव के लिए लगातार प्रचार कर रही है।